झी 24 तास एक पाऊल पुढे। आशिकीचा सिक्वल अर्थातच आशिकी 2 लवकरच तुमच्या भेटीला येतोय। आशिकी प्रमाणेच आशिकी 2 ची सुद्धा सध्या सगळीकडे चर्चा आहे। आदित्य रॉय कपूर आणि श्रद्धा कपूर ह्या सिनेमात प्रमुख भूमिका साकारतात। त्याच निमित्ताने त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत। आशिकी 2 हा सिनेमा लवकरच तुमच्या भेटीला येतोय आणि आता आपल्या सोबत दोन यंग कलावंत आहेत आशिकी 2 मधले, श्रद्धा आणि आदित्य दोघांचंही खूप खूप स्वागत आहे झी 24 तास मध्ये। श्रद्धा, तुझ्यापासून सुरुवात करेन। आशिकी 2 म्हणजे 1 तर जबरदस्त हिट होता आशिकी हा सिनेमा, आणि आता आशिकी 2 मध्ये एक अपॉर्च्युनिटी मिळते आहे तुम्हा दोघांना तुमचं टॅलेंट शो करायला, काय सांगा सर? हम होप करेंगे कि हमने हमारा टैलेंट शो किया है इस फिल्म में, तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है क्योंकि भट्ट साहब और हमारे डायरेक्टर को लगा कि हम काबिल थे टू प्ले द रोल्स ऑफ आरोही एंड रावल, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड डेफिनेटली क्योंकि आई फील कि स्क्रिप्ट जो है इज़ द स्टार ऑफ दिस फिल्म, तो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्रिप्ट एक बहुत ही अच्छी फीलिंग। आदित्य, नक्कीच तो आशिकी हा सिनेमा पाहिला असेल आणि त्यात राहुल रॉय यांचं काम पाहिलं असेल, तर या फिल्ममध्ये काही रिलेट करू शकतो? ऍक्च्युली जब आशिकी 1 रिलीज हुआ था मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, आई वॉज आई थिंक 3 इयर्स ओल्ड और 5 इयर्स ओल्ड समथिंग, तो आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई वॉच्ड द फिल्म, तो मुझे एक्चुअली फिल्म इतना याद नहीं है व्हाट ऑल वाज देयर इन द फिल्म, म्यूजिक याद है मुझे, तो रेफरेंस के लिए आई डिड नॉट वॉच इट अगेन। जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाह। फिल्म के प्रोमोज देखे हमने, प्रोमोज पाहिल्यानंतर कुठेतरी असं रिअलाइज होतं की अभिमान या सिनेमाला रिलेट करू शकतो आपण, किती खरं? नाही, हे खरं नाही आहे। अभिमान का जो स्क्रिप्ट है वो एक अलग स्क्रिप्ट है, वो एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक फिल्म है, और हमारी फिल्म का स्क्रिप्ट भी अलग है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग हैं। या शगुफ्ता रफीक ने एक completely original script likhi hui hai, it's a fully new thing, it's a new vision, and her and Mohit collaborated on the whole idea, so it's a I think similarities can be there in any movie, in any love story, you'll say you can find similarities in anything if you want to, so in that sense that movie came out I think how many years ago, maybe 30 years ago, so it's all right, I think it's all right even if the themes are the same. आशिकी हा सिनेमा तू पाहिलायस का, आणि पाहिल्यानंतर आता आशिकी 2 करतेयस, किती रिलेट करू शकतेस सिनेमाला? सेम जो आदित्यने बोला की हम बहुत छोटे थे जब आशिकी रिलीज हुई थी, 7th या 8th स्टँडर्ड में थी जब मैंने देखी थी, तो दोनों सिनेमा है अलग, टाइम भी मतलब इतना टाइम बीत चुका है, पर जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर है, जो इंटेंस लव उसमें था वो इसमें भी आप देखेंगे। इन शॉर्ट इट्स अ नाइस लव स्टोरी आशिकी 2। आशिकी भी एक बहुत अच्छी लव स्टोरी थी, और आशिकी का जो प्लस पॉइंट था वो उसका म्यूजिक था, तो आशिकी 2 के म्यूजिक के बारे में क्या कहना है? आशिकी 2 के म्यूज़िक के बारे में अभी तो हमें मैसेजेस आ रहे हैं रोज़ कि लोग हमारे गानों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी इतने सारे हिट्स मिले, लोग कॉलर ट्यून्स रख रहे हैं हमारे गानों के, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि हमारे आशिकी 2 का एल्बम जो है वो हिट हो चुका है। एक नई फीलिंग है बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी पार्ट ऑफ अ सॉन्ग दैट बिकम्स सच अ बिग हिट, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मोहित और मिथुन, अंकित एंड जीत ने बहुत काम किया इस एल्बम पे, दे पुट ऑन देयर लाइक देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट, एंड एक तुम ही हो एक न्यू टाइप का गाना, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ डिफरेंट फ्लिक फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स स्लो एंड इट्स मीनिंगफुल एंड इट हैज इट टेक्स इट्स टाइम, एंड अरिजीत ने हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब, सो आई थिंक इट्स ग्रेट। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा
पुन्हा एकदा एक छान अशी लव्ह स्टोरी, म्युझिकल लव्ह स्टोरी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. जाता जाता एक शेवटची रिक्वेस्ट आहे की या गाण्याचा दोन आवडी तुमच्यासाठी आम्ही गाऊ आता. चलो लेट्स डू इट, कम ऑन आदित्य. ओके, तो आदित्य ने ये मुझ पे सौंप दिया. हो जाए, दो लाइन ट्राई करती हूँ. मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे दो ये सौगात तुम तो जमाने की, हम हर खुशी से मुँह कर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे. Well done, sir. Very well. चला या फिल्म साठी तुम्हाला ऑल द बेस्ट, आणि आमच्या शेतक्या आपुलकीने बोलला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.